सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने सीओ टीवी, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। जबलपुर हैदराबाद उड़ान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। अब किसानों को दिन में मिल सकेगी बिजली, खेतों को दिन में भी दिया जा सकेगा पानी। चोरों ने उड़ाई लाखों की रकम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर हैदराबाद उड़ान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में बम होने की धमकी भरा कागज मिलने के बाद रविवार को इंडिगो एयरलाइंस की जबलपुर हैदराबाद उड़ान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उड़ान संख्या 6E7308 के शौचालय में ब्लास्ट एट 9 AM लिखा कागज मिलने के खलबली मच गई। बम होने की संभावना के चलते सतर्कता बरतते हुए विमान को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर उतारा गया। इस घटना के बाद कुछ देर तक एयरपोर्ट पर तनाव की स्थिति रही। विमान के लैंड करते ही एयरपोर्ट पर मौजूद सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थी। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। अब किसानों को दिन में मिल सकेगी बिजली, खेतों को दिन में भी दिया जा सकेगा पानी। सरकार ने किसानों को दिन में बिजली देने का निर्णय लिया है। इसके लिए जरूरी कदम उठाने की शुरुआत हो गई है। सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर सौर ऊर्जा के माध्यम से कृषि पंपों को दिन में बिजली आपूर्ति की जाएगी। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम भी सौर कृषि पंप योजना लागू की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सके। सौर पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। चोरों ने उड़ाई लाखों की रकम। परिवार की उम्र जाते उनके घर में चोरी हो गई। किसी ने लाखों रुपए की नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ किया। जरीपटका थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। क्षेत्र की नूरी कॉलोनी निवासी सोहेल असलम खान 35 वर्ष निजी कारोबार करता है। धार्मिक यात्रा के चलते वह परिवार के साथ सऊदी अरब के उमरा गए हुए थे। उसके घर में कोई नहीं था। मौका देखकर किसी ने 5 से 29 अगस्त 2024 के बीच में ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। बेडरूम की अलमारी से करीब 4 लाख रुपए नकद और सोने चांदी भूषण सहित कुल 5.5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ किया। उस बीच पुलिस ने आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी कैमरे खंगालने संदिग्धों की धरपकड़ शुरू की, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNSUSTV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNSUSTV पर। नमस्कार। मैं अभिषेक बच्चन की वॉचिंग MNS न्यूज।